मानवता का संदेश है। आज अगर हिंदुस्तान से कोई मांगी है, उन्होंने दवाई मांगी है, अगर हमारे पास है, हमारे देश का नाम दुनिया में जनाब ऊंचा होता है, उसमें क्या फर्क पड़ता है। गोस्वामी जी, हमारा विश्व ने पिछले समय में 370 धारा के ऊपर ठोक के साथ दिया है। दुनिया के कई देशों ने भारत से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा मांगी। ये दवा कोरोना से लड़ने में मददगार हो सकती है। नरेंद्र मोदी सरकार ने तय किया कि अगर हमारे पास जरूरत से ज्यादा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन है तो दुनिया की मदद क्यों ना करें। यही एक ग्लोबल लीडर की पहचान होती है। मोदी सरकार ने इस काम करके दुनिया भर में तारीफ हो रही है आज मोदी सरकार की, भारत की। लेकिन हर बात पर राजनीति करने वाला विपक्ष इस मुद्दे पर भी सियासत कर रहा है। इसलिए मेरे साथ आज पूछता है भारत, क्या बीमारी से लड़ने में किसी दूसरे देश का मदद करना गलत है? दूसरों की मदद सबसे बड़ी मानवता है, यही हमारा धर्म हमें सिखाता है, तो उस पर सियासत क्यों? और आज का सबसे बड़ा सवाल कि अगर दुनिया प्रधानमंत्री मोदी के प्रयास की तारीफ कर रहा तो विपक्ष को जलन क्यों हो रही है? हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ यही एक मार्ग है, हमें घर से बाहर नहीं निकलना है। आज पूछता है भारत में MS बिट्टा है हमारे साथ, खुलकर बोलते हैं, चेयरमैन है ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के, चेयरमैन है। और आज पुलकित चतुर्वेदी हैं, अब्बास हफीज है, विवेक श्रीवास्तव सब दूसरी तरफ, और संजीव उनियाल भी नलिन कोहली के साथ जुड़े हैं। बिट्टा जी, आपसे सवाल करूंगा मैं, और डिबेट में आया आप विवेक श्रीवास्तव के साथ, कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास 5 रोटी हैं और आपको लगे कि 3 रोटी से आपकी पेट भर जाती है, आपके स्वास्थ्य के लिए काफी है 3 रोटी, तो 2 रोटी किसी भूखे को देने में क्या परेशानी? यही नरेंद्र मोदी ने किया है आज। पूरी दुनिया बिट्टा जी हमसे मदद मांग रही थी। इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी और भारत के लोग पूरे विश्व का नेतृत्व आज कर रहे हैं, पूरे विश्व का, पूरा भारत, पूरी दुनिया ये मान रही है। अगर ये विपक्ष के लोग कुछ और नहीं मानते तो ये तो मान जाए कि आज जो भारत ने किया ये हमारा बड़प्पन है। हम अरे आज मदद दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं। आपसे मदद नहीं मांग रहे थे, आपको धमकी दे रहे थे, पूछ रहा हूं, आपको धमकी दे रहे थे। बिट्टा जी, आपका नाम बिट्टा है? आपका नाम बिट्टा है? लेकिन मदद नहीं, आपका नाम बिट्टा नहीं है ना, तो मैं बिट्टा जी से पूछ रहा हूँ। बिट्टा जी बोलिए, मदद मत बोलिए, पहले बिट्टा जी बोले फिर आप बोलिए, आपको परेशानी हो जाती है। मोदी का नाम ले लेता हूँ तो आपको बोल लिया, इन्होंने बोले बोल लिया, अब मैं बोलूँ? मेरे बीच में कोई ना बोले, मैं किसी के बीच में नहीं बोलूंगा। हर इंसान के अपने अपने विचार हैं, अपने अपने अनुभव हैं, अपने अपने विचार हैं। चलो मान लिया, धमकी दे दी, मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। इस वक्त हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में आफत है, मानवता की रक्षा करना हमारा सबका फर्ज है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इटली हो, मैं तो कहता हूं यहां तक कि भी पाकिस्तान भी हो, इस वक्त हमारा सबसे बड़ा दुश्मन। अगर हमारे पास कोई मानवता को बचाने के लिए कोई ऐसी सजीवनी बूटी है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदुस्तान को हमारा दुश्मन जो हमारे पे रोज गोलियां चलाता है, जनाब ये मानवता का, पर क्या हमारे मुल्क के अंदर हमारे लोगों की व्यवस्था पूरी है? आप खुद हमारे में स्टोर भरे हुए हैं, देश में दवाइयों की कमी है। अरे बीच में देखो भाई साहब, ये पॉलिटिकल डिबेट नहीं है, ये पॉलिटिकल डिबेट नहीं है। आप अपने विचारों को रखिए, मैं आपकी जबान को बंद नहीं कराऊंगा, आप मेरी जबान को बंद कराने की कोशिश मत करें, खुल के बोलें आप अपने विचारों को, मैं नहीं बोलूंगा, पर मेरी जबान मेरे विचार, मेरे अंदर से रूह, उसको मत बंद कीजिए। भगवान की कसम खा के कहता हूं, विचारों को भटकिए मत, आप अपना बोलिए, आप बोलिए मोदी के खिलाफ, मेरे विचार है, मेरे विचारों पे टाइम वेस्ट मत कीजिए, मैं आपका नहीं करूंगा। दूसरी बात, मुझे एक चीज बताइए, जब कश्मीर की 370 धारा की समस्या आई, आप मुझे बताइए
क्या पूरे विश्व ने, पूरी दुनिया ने, क्या हिंदुस्तान के अंदर क्या हमारा साथ नहीं दिया? मेरा गोस्वामी जी आपसे सवाल है, आज पाकिस्तान को अकेला छोड़ दिया और 300 तो आज अगर विदेशों के अंदर आज कितने भारतीय बेचारे वहां चले गए दुनिया से, इटली के अंदर, अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा भारतीयों की संख्या है। मैं कहता भारतीय ना भी हो, मानवता का संदेश है। आज अगर हिंदुस्तान से कोई मांगी है उन्होंने दवाई, वो भूखे नहीं, मैं कहूंगा अमेरिका को मांगी है। अगर हमारे पास है, हमारे देश का नाम दुनिया में जनाब ऊंचा होता है, उसमें उसमें क्या फर्क पड़ता है? गोस्वामी जी, हमारा विश्व ने पिछले समय में 370 धारा के ऊपर ठोक के साथ दिया है और इस वक्त जरूरत होगी हम उनसे भी अपने लिए मदद मांगेंगे और हम भी उनको देंगे, इसमें क्या दिक्कत है? अपने अपने विचार कोई रखे। ये पूछिए इनको कि कल अगर अमेरिका में, अमेरिका के किसी लेबोरेटरी में सवाल पूछता है भारत कि वैक्सीन निकल गई, टीका मिल गया, टीका जो टीका आज नहीं है ना, कल अगर टीका मिल जाए, कोविड की टीका निकल जाए, वहां के किसी साइंटिस्ट कोविड का टीका निकाले, तो फिर क्या आज अगर हम उनकी सहायता ना करें तो अरे रुके संजीव जी, इनको बोलिए कि अगर अमेरिका में टीका निकला तो भारत के लोगों को नहीं जरूरत है। बोले पूछता है भारत इनको। बिट्टा जी एक मिनट बिट्टा जी इनको पूछिए, बिट्टा जी को पूछ रहा हूं। बिट्टा जी, चीन हमारी मदद कर रहा है, चीन हमें वेंटिलेटर भेज रहा है, तो हम चीन की तारीफ करेंगे, है ना? अमेरिका की मदद की तो अमेरिका हमें धन्यवाद कर रहा है। बिट्टा जी, ये दुनिया ऐसे चलती नहीं है, इनको समझाइए जरा, दो मिनट बाकी। आप गोस्वामी जी, मैं ये समझूंगा कि किसी को समझाने की आज जरूरी नहीं, आज पूरा देश, पूरा विश्व आपको, हमको देख रहा है। आपका 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 जो नाम है, आपके शो का नाम आज से नहीं, इतना पुराना है, बेबाक बात करते हैं, पूरा देश, पूरा विश्व, आज ना कोर्ट है ना जब पुलिस है, हर काम अपने अपने लगा है। आज तो देश की जनता, हम क्या बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं, पास वाले क्या बोलते हैं, ये जनता फैसला करती है। खाली है जनता हमें देखने के लिए, हमारा चेहरा, हमारी आँखें, हमारा हर चीज़ जनता समिति हमारे से ज़्यादा समझती है। मैं एक बात आपको स्पष्ट कह दूँ, आज हम हिंदुस्तान में, दुनिया में किस मुसीबत में हैं, आज आपका मेरा किसी का पता नहीं, हम सब मानव बम बन चुके हैं, मुश्किल की घड़ी में हैं, और रोज विदेशों में अपने रिश्तेदार दोस्तों से बात करते हैं, आज ये मुद्दा है ही नहीं। अगर दवाई दे दी तो क्या फर्क पड़ा, हमारे देश में भंडार है ना। मैं कहता हूं हमारा देश तो मानव, मैं तो अमेरिका की बात छोड़िए, मैंने पाकिस्तान की बात कर दी, अगर पाकिस्तान में भी इस वक्त जरूरत पड़े, हमारा दुश्मन पाकिस्तान, जिससे हमारी हमेशा दुश्मनी रहती है, हिंदुस्तान को मैं कहता हूं आगे आना चाहिए। ये अमेरिका की बात करते हैं, ये मुद्दे नहीं है, मुद्दे है कि आज हिंदुस्तान को अपने मानवता को, हिंदू को, मुसलमान को, सिख को, ईसाई को बचाना है। आज आप देखिए गोस्वामी जी, आप तो नहीं बोले, आपको धमकी दी थी किसी मौलाना साहब ने, दी थी, आप तो नहीं बोले, मैंने कल किसी चैनल पे जवाब भी दे दिया और टेलीफोन नंबर भी दे दिया। अरे धमकाने की कोशिश अगर करनी है मीडिया के लोगों को, तो पहले मेरा नंबर, अपना नंबर दे दिया था, मेरे से फोन पे बात करना, हर चीज में लाना बंद करिए। बहुत खूब बिट्टा जी, धन्यवाद। अमेरिका ने हिंदुस्तान को धमकी दी। अरे 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 मेरी बात सुनिए, मुराना तेरी हाथी की तैसी हो, मुराने की बात करते हो, अरे हिंदुस्तान के अंदर जहर फैला दिया, हिंदुस्तान के कोने कोने में मानव बम फैला दिए, मैंने चर्चा नहीं की, मैंने चर्चा नहीं की, ये चर्चा आपने शुरू की। अरे मीडिया के लोगों को धमकी दी जाती है किसी भी सूरत में, ये बर्दाश्त नहीं होगा, याद कीजिए, ये मुसलमान चंद लोग ये बातें फैलाते हैं, याद रखिएगा, हद हो गई, हद हो गई, अमेरिका का उत्तर नहीं दिया, मुसलमान कोई अमेरिका नहीं, आज हिंदुस्तान के अंदर क्या हुआ, क्या हुआ, जगह जगह मानव बम फैला दिए आप लोगों ने, जगह जगह मानव बम फैला दिए आप लोगों ने, क्या कौन आया सामने, लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी, और हम जहां बैठ में पड़े हैं, लोगों की जिंदगियां तबाह कर दी, लोग घरों में रो रहे हैं, हमको देखते हैं, हमारे तमाशों को देखते हैं, हम चैनलों पे क्या बोलते हैं, मानवता की रक्षा के लिए आगे आए, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, मानवता की रक्षा। अच्छी बात कही बेटा, कांग्रेस सही बात,
बिल्कुल बिट्टा जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। एक और बात कहूंगा मैं, पहले तो आपने मीडिया के बारे में जो बोला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेन ये जो थ्रेट देते हैं ना व्हाट्सएप वीडियो में, उनकी मैं कोई परवाह नहीं करता बिट्टा जी, आप मुझे बहुत सालों से जानते हैं। आखिर मैं कहूंगा भाई और बहनों, जब पूरा देश घर में है तब कुछ लोग आज भी सड़क पे है, पूछता है भारत आपकी प्रॉब्लम क्या है। मैं पूछता हूं आपकी प्रॉब्लम क्या है। जब पूरा भारत कोरोना से लड़ रहा है तो कुछ लोग बीमारी छिपा रहे हैं। मैं पूछता हूं और पूछता है भारत आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपकी प्रॉब्लम क्या है। कल शाम 7 बजे आपसे फिर मिलूंगा।